नया क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें एवरेज स्पीड निकाली गई है, औसत चाल, दो स्पीड दी हुई है, फिर उनका औसत निकाला गया है, जबकि दूरी सेम है। ये इसमें कंडीशन है, दूरी सेम है। इसका फार्मूला भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि दूरी सेम रहती है और वही दूरी दो व्यक्ति तय करते हैं अलग अलग स्पीड से, तो क्या फार्मूला होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वही नगर बी से 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा में इसकी औसत चाल क्या है, मतलब उसने कितनी दूरी तय की। नगर ए से नगर बी तक गया, फिर नगर बी से नगर ए तक वापस आया। देखिए, इसमें नगर ए नगर बी यहाँ से 72 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से इधर को जाता है, नगर बी पहुँचता है, वहाँ से 48 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आता है ए को। तो दोनों बार डिस्टेंस ए बी ही है, सेम है डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस स्पीड को हमने एक्स माना है और इस स्पीड को वाई माना है। इसका फार्मूला हम जानते हैं, इसमें दूरी सेम है, माना दूरी इक्वल टू ए बी किलोमीटर, दोनों बार इतनी ही है। औसत चाल क्या होगी, इसका फार्मूला पड़े 2xy/x+y। फार्मूले में रख दीजिए, एक्स की जगह 72 और वाई की जगह 48, नीचे भी वही 72 + 48। फिर इसको सॉल्व करिए, ये फाइनल के आपके पास 57.6 किलोमीटर पर घंटा आएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान देने की बात थी, अगर एक कंफ्यूज करता क्वेश्चन में तो ये स्पीड किलोमीटर पर घंटा में दे देता और इसको किलोमीटर पर मिनट या मीटर पर सेकंड में कुछ भी चेंज कर देता, अगर दोनों यूनिट ये सेम ना रहती, इधर भी किलोमीटर पर घंटा इधर भी किलोमीटर पर घंटा, तो कोई समस्या नहीं। लेकिन इनमें किसी में अगर कुछ अंतर कर देता, किसी में किलोमीटर की जगह मीटर कर देता या घंटे की जगह मिनट या सेकंड कुछ भी कर देता, मतलब दोनों तरफ सेम नहीं रहती अगर, तो उनको सेम करना पड़ता, नहीं तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाता। फॉर्मूला जान लेना ये बहुत जरूरी नहीं है, एक्चुअली यूनिट का ध्यान बहुत रखना बहुत जरूरी है, जिससे कि क्वेश्चन गलत ना होने पाए। अब इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते थे, उसने बहुत सिंपल क्वेश्चन भी दिया है जिससे कि जानकारी हो जाए, बाद में इसको टिपिकल करते जाएगा। एक ही व्यक्ति सेम दूरी तय करता है, नगर ए से नगर बी तक जाता है, बस स्पीड अलग अलग है। जाते वक्त स्पीड 72 किलोमीटर पर घंटा है, लेकिन वापस लौटते वक्त स्पीड 48 किलोमीटर पर घंटा है, लेकिन यूनिट सेम रखा उसकी, उधर भी किलोमीटर पर घंटा में थी और उधर भी किलोमीटर पर घंटा में ही है। बस उसके बाद फार्मूला है, ये सब एक एक चीज़ ध्यान देते हुए चलते रहना होता है कि स्पीड सेम, स्पीड की यूनिट दोनों सेम है कि नहीं है, नहीं है तो फट से चेंज कर लेंगे, या उसको अगर गलत होता तो उसको घेरते जाइए कि हमें किस चीज़ पे ध्यान रखना है, चेंज हुआ कि नहीं हुआ बाद में भूल गए, इससे कम टाइम में गलती होने के चांसेस मिनिमाइज होते हैं। और सॉल्व करना सीख लीजिए, जहाँ तक हो पहाड़े याद कर लीजिए, ये सब समय बचाएंगे वहाँ पे, और इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो समय बचा लिया वही विजयी है। पढ़ के तो सब बराबर लगभग आते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन का आना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन को सही सॉल्व कर देना और मिनिमम टाइम में सॉल्व कर देना ये जरूरी है, वही डिसाइड रहता है। ओके okay?